वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक से एक न्यूज़ लेकर आया हूँ टिकटॉकर्स की तरफ से और क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन देख लेते हैं छोटा सा प्रोमो। तो क्या आप घर बैठे बैठे बोर हो गए हो? तो इस बोरिंग क्वारंटाइन में मैं आपके साथ एक हैक शेयर करने वाला हूं, जिससे आप लोग 5,000 रुपीस तक के डेली घर बैठे कमा सकते हो। तो आइए मैं आप लोग को एक ऐसे ऐप के बारे में बताता हूं जिसके जरिए आप लोग घर बैठे लाखों रुपीस कमा सकते हैं। ये है बिनोमो हॉनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन, जिसमें आप लोगों को डिफरेंट कंपनी के स्टॉक जैसे कि गूगल और अमेजॉन के स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करना होता है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ प्रिडिक्ट करना है कि टाइम के हिसाब से ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, और अगर आप लोगों का प्रिडिक्शन सही निकलता है तो आप लोग 86% तक के प्रॉफिट कमा सकते हैं। और तो और ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है, इसका मतलब ये 100% लीगल है। अगर इलीगल होती तो यहाँ अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि मैंने 3,500 रुपए लगाकर प्रिडिक्ट किया है कि ग्राफ नीचे जाएगा देखते ही देखते, और ये देखिए दोस्तों मेरी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल हो गई। इसमें हर बार प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है, कई बार लॉसेस भी हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ट्रेड करने से पहले और ट्रेड करने के बाद अमाउंट में कितना डिफरेंस आ चुका है। खास बात यह है कि इसमें आप लोग 400 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं और जीते हुए अमाउंट को इजीली विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम और बैंक अकाउंट में इन ओनली 24 आवर्स। और अगर आप लोग ये प्रोमो कोड यूज करते हो तो आप लोग का डिपॉजिट डबल हो जाएगा, यानी 10 का 20। और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू डाउनलोड करते हो तो आप लोग को 60,000 रुपीज मिलेंगे बिनोमो के डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग सीखने के लिए। तो अभी जाइए, क्लिक कीजिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है आलिया और जैद दरबार की तरफ से। जो लोगों को नहीं पता है बता दूं कि ये दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिए है इंस्टाग्राम पे। अब यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मिला है जहाँ पर आलिया की पोस्ट के नीचे किसी ने कमेंट करते हुए कहा, आलिया आपका ब्रेकअप हो गया है क्या जैद दरबार से? उस पर रिस्पॉन्स देते हुए आलिया ने कहा, जी एंड इट्स बीन रियली लॉन्ग एंड वी बोथ आर हैप्पी इन आर लाइफ। गाइस, अगली न्यूज आती है अमीश देवगन की तरफ से, और इसने जो है ख्वाजा गरीब नवाज के लिए बहुत ही गलत वर्ड का यूज किया है। अगर आप लोग को ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे सेकंड चैनल का वीडियो देख सकते हैं, अभी थोड़े टाइम पहले ही अपलोड किया, लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके देखो, सारी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। तो अमीश देवगन पे ही रिस्पांस देते हुए अदनान, फैज बलोच, समीर माक ने कुछ ना कुछ कहा है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर समीर माक ने स्टोरी डालते हुए कहा, ये लोग बिक चुके हैं, हैशटैग अरेस्ट अमीश देवगन। शादाब खान ने कहा, प्लीज इसके खिलाफ FIR करें, ऐसे कुछ लोगों की वजह से पूरा इंडिया बर्बाद होते जा रहा है, मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट हिम एज सून एज पॉसिबल। छोटी सोच वाले अब इसकी मौत मंडरा रही है। अब्दुल ने कहा, शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी किया कर। अदनान और फैज बलोच ने कहा, ये सहा नहीं जाएगा, ये अपने चैनल की TRP को इंक्रीज करने के लिए ऐसे अब्यूज वर्ड्स नहीं यूज कर सकते वलियल्ला ख्वाजा गरीब नवाज के लिए। और अगली स्टोरी में अदनान ने भी कहा, हैशटैग अरेस्ट अमीश देवगन। गजली न्यूज आती है खान की तरफ से। तो जो लोग को अभी भी लगता है कि अरिश्वा खान और लकी डांसर का कुछ अलग मसला है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग एक अच्छे फ्रेंड्स है। अब यहाँ पर अरिश्वा की एक लाइव वीडियो में से मुझे एक क्लिप मिली है, आइए देखते हैं। लकी डांसर एंड अरुण रिलेशनशिप? नो, He's my good friend. अगली न्यूज आती है फैसू 07 की तरफ से। तो यहाँ पर फैसू के टिकटॉक अकाउंट पे बहुत जल्द होने वाले हैं 2 बिलियन लाइक्स। और तो और यहाँ पर फैसू के इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो नीचे जो हाइलाइट्स है वहाँ पर समीर सर की कुछ वीडियोस अपलोड की गई है और लिखा गया है गॉडफादर। अगली न्यूज आती है हिंदुस्तानी भाव की तरफ से। तो यहाँ पर भाव ने फिर से अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड की है जिसके नीचे लिखा है, जो आर्मी के और उनके फैमिली के सपोर्ट में हमारे साथ है, ये हिंदुस्तान की जनता उनके साथ है। तो आइए उस वीडियो में से मैं आप लोग को 2 इंपॉर्टेंट क्लिप बता देता हूँ। सबसे पहली जहाँ पर उन्होंने बात की है एकता कपूर को लेके, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इंडियन आर्मी से और उनके फैमिली से माफी नहीं मांगेगी तब तक ये हिंदुस्तान उसको माफ नहीं करेगा। कितने भी अपनी तुम लोग लिखो ऐसे कि एकता कपूर ने माफी मांगी, कभी मांगी? जब तक पूरा हिंदुस्तान नहीं देखेगा वीडियो में तब तक उसको माफ नहीं करेंगे। और दूसरी क्लिप जहाँ पर उन्होंने बात की हमारी आर्मी को लेके जो के शहीद हो गए। और मोदी जी अभी ये लुपा छुपी का खेल बस हो गया। अभी इनको इज्जत वाली बात समझ में नहीं आती, समझदारी की बातें समझ में नहीं आती। पूरा हिंदुस्तान आपको बोल रहा है आपके सपोर्ट में, एक ही बार घुसो। और यहाँ पर अदनान ने भी आर्मी के लिए एक स्टोरी शेयर की है जहाँ पर लिखा है, देश के इन तीनों शहीदों को सलाम है हमारा जो चीनी सेना से लड़े और हमें प्रोटेक्ट किया, RIP हीरोज। गाइस, अगली न्यूज आती है मृदुल की तरफ से, जो कि अभी बीच में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गए थे। हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर मयंक करके एक यूट्यूबर है जिन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है, टाइटल है टिकटॉकर मृदुल मदहोक ने मेरा कॉन्टेंट चुराया। अब इसमें काफी कुछ बातें की गई है, अगर आप लोग को पूरा वीडियो देखना है लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट क्लिप बता देता हूँ जहाँ पर उन्होंने बताया कि मृदुल ने मेरा कॉन्टेंट used, misinterpreted and literally plagiarized my content. And yes, this time you did use my name. This time you did say that I was your internet friend. Indians काले क्यों होते हैं और हमें गोरा होने के लिए क्या करना है? मैं उससे पहले ना आपको अपने दोस्त एक यूट्यूबर से मिलवाना चाहूंगा, मयंक। ये पहले ऐसे दिखते थे भाई, इतने काले, और फिर
क्या करा इन्होंने, सिर्फ एक प्रोडक्ट लगाया जो इन्होंने वीडियो में भी बताया, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जब भी, यार देखो इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे लोग धूप से ही काले होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। सनस्क्रीन लगाओगे फिर बाहर निकलोगे तभी बच पाओगे, तभी गोरे रह पाओगे। अब आपको कौन सी सनस्क्रीन लेनी है, SPF 30 की, SPF 30 की, आपको यहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन में अपनी फोटो भेजनी है। मैं बताऊँ, यू टुक अ 4-year-old इंग्लिश वीडियो फ्रॉम माई चैनल विच वॉज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द इग्नोरेंस एंड द स्टूपिडिटी ऑफ आवर सोसाइटी एंड द वे वी सी द स्टूपिड थिंग कॉल्ड गोरा एंड काला एंड यू एक्चुअली टर्न्ड इट To be a गोरा काला video. मतलब क्या चल रहा है? Guys, अगली न्यूज आती है रिवॉल्वर आनी की तरफ से। तो यहाँ पर रिवॉल्वर आनी ने अपने नए चैनल पर नया वीडियो अपलोड कर दिया है जिसका टाइटल है क्रिंज इनटू 100। बेसिकली उसमें उन्होंने एक तरीके से टिकटॉकर्स लोग का रोस्ट कर दिए, वो टिकटॉकर्स जो लोग अचानक में भयानक फेमस हो गए, जैसे कि ब्यूटी खान, वो तेरी प्यारी प्यारी दुखिया वाला और भी बहुत। डिस्प्ले पर आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं एंड आइए कुछ स्टोरीज देख लेते हैं। टॉपिक मैंने बहुत पहले रिवील कर दिया था जहाँ पे मैंने ये कहा था कि टिकटॉक पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इनफेमस हैं, जो कि अच्छे कंटेंट को, अच्छे लोगों को, अच्छे टैलेंट को कहीं ना कहीं ओवरशैडो कर जाते हैं। तो हाँ, ये वीडियो उसी बारे में है, मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ। तो अगली स्टोरी में पक्का स्वाइप अप लिंक है, वीडियो का टॉपिक तो बता ही दिया। पहले सोचा था थंबनेल भी डाल दूंगी पर नहीं यार, थंबनेल नहीं डालते। अगली न्यूज आती है अब्दुल की तरफ से। तो यहाँ पर अब्दुल ने एलविश यादव की एक वीडियो शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, आइए देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हिंदुओं का मजाक उड़ाओ, खूब उड़ाओ भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री कुछ भी कर सकते हैं, पर मुस्लिम्स का मजाक उड़ाने का भी गूंदा रखो, तब जाके मानूंगा कि हाँ तुम बहुत सेकुलर के, ठीक है। और ऊपर लिखा, केले रिलीजन का मजाक ही क्यों बनाना ? हर चीज मजाक के लिए नहीं होती। अगली न्यूज आती है सलोनी की तरफ से, जिसने सोम्या का मजाक बनाया। मैंने कहा था ना एजाज को गुस्सा नहीं दिलाने का रे बाबा, अब उसके इंस्टाग्राम पे जो है बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसने सेकंड आईडी बना ली। ये मजाक के लिए बोला था मैंने, सही में इंस्टा पे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ स्टोरीज देख लेते हैं। हे गाइस, सो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि व्हाई डिड आई क्रिएटेड दैट न्यू अकाउंट। तो इस पे बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं गाइस, जैसे किसी को डीएम ना जाना, एक्शन ब्लॉक हो जाना, कमेंट्स का रिप्लाई ना कर पाना, फॉलोअर्स जो गेन हो रहे हैं वो एड अप नहीं हो रहे हैं, तो बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे फॉलो वहाँ पे करो, नए वाले अकाउंट पे, और जिन्होंने पहले ही फॉलो कर दिया उनको थैंक यू। अगली न्यूज आती है समीर मार्क की तरफ से। तो यहाँ पर उनका जो यूट्यूब चैनल था वो किसी ने हैक कर लिया, तो उन्होंने नया चैनल बनाया और कहा, सब्सक्राइब माय न्यू यूट्यूब चैनल, फर्स्ट वीडियो कल अपलोड करूंगा। फिर कहा, ओल्ड अकाउंट न्यू अकाउंट, ये हैक हो गया है, देखते हैं आईडिया आ जाए तो सही है, वरना न्यू चैनल तो बना ही लिया। अगली न्यूज आती है सना खान की तरफ से। तो यहाँ पर सना खान की जो टिकटॉक आईडी है उसको फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन फाइनली लगता है वो अनफ्रीज हो चुकी है, क्योंकि उनके हो गए हैं 12 मिलियन फॉलोअर्स। गाइज, मैं आज खुश इसलिए हूँ क्योंकि 3-4 महीने पहले से मेरी आईडी फ्रीज हो चुकी थी, तो मैं फिर भी वीडियो डालती थी कि कोई बात नहीं मैं डालूंगी, और आज मेरा 12 मिलियन कंप्लीट हो गया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और तो और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दानिश अल्फाज और सना खान ने अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लिए है, तो उनका जो अगला वीडियो है वो आने वाला है इस फ्राइडे को। हम लोगों ने फाइनली डिसीजन लिया कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, तो अभी हमारा परसों यानी फ्राइडे को नेक्स्ट वीडियो आ रहा है। अगली न्यूज आती है शिफू की तरफ से। तो यहाँ पर शिफू का फोन नंबर वायरल हो गया है, उसी चीज पर रिस्पांस देते हुए शिफू ने कहा, मेरा पर्सनल नंबर फैलाना बंद करो, मैं काइंडली रिक्वेस्ट कर रही हूँ उन लोगों से जिनके पास है, हर रोज मुझे न्यू नंबर से कॉल्स एंड मैसेजेस आते हैं और वो बोलते हैं कि उनके पास पहले से है नंबर। रिडिक्यूलस एक्शन है ये ह्यूमैनिटी की तरफ आई फील, रिडिक्यूलस एक्शन है ये ह्यूमैनिटी की तरफ आई फील, बंद करो एक बेवकूफ बनना, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है, थैंक यू। अगली न्यूज आती है की तरफ से। और जैसे कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि फैज बलोच ने एक टिकटॉकर का वीडियो कॉपी किए थे और उसको क्रेडिट नहीं दिया, अब सेम चीज जो है फैसू के साथ हुई है। फैसू ने भी एक साउंड पर वीडियो बनाया लेकिन क्रेडिट नहीं दिया गया। सबसे पहले आप लोग फैसू की वो वीडियो देख लो। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं, यहां वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे। अस्सलाम वालेकुम। अब आइए ओरिजिनल साउंड वाला वीडियो देखते हैं। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं, यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे। अस्सलाम वालेकुम।
देख लिए वीडियो। जैसे कि मैंने आप लोगों को फैज बलोच वाली वीडियो में बताया था कि अगर हम किसी के साउंड पर वीडियो बनाते हैं डायरेक्ट, तो टिकटॉक उसको खुद क्रेडिट दे देता है, वहां पर सबसे पहले टॉप पे जो है उस कंटेंट क्रिएटर का वीडियो आ जाता है। इससे समझ में आ जाता है कि हाँ, इसी ने वीडियो सबसे पहले बनाया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी का साउंड डाउनलोड करता हूँ फिर उसको अलग से एडिट करके अपलोड करता हूँ, तो टिकटॉक को ये लगेगा कि ये मेरा ओरिजिनल कॉन्टेंट है, जबकि मेरा नहीं है, वो किसी और का है। अब यहाँ पर लगता है फैसू ने भी जो है अलग से डाउनलोड करके अपलोड किए थे, क्योंकि टिकटॉक को ये लग रहा है कि वो फैसू का ओरिजिनल साउंड है जबकि वो इनका है, क्योंकि फैसू का टॉप पर वीडियो आ रहा है। अब यहाँ पर जिनका ओरिजिनल साउंड था उन्होंने फैसू को टैग करते हुए एक वीडियो भी अपलोड किए थे, आइए वो वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। झूठे लोग हैं सच्चाई से नहीं मिलते, झूठे लोग हैं सच्चाई से नहीं मिलते, और मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को, और मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को। जो दिल से नफीस भाई, जो दिल से अपने सगे भाई से नहीं मिलते। सलाम। अगली न्यूज आती है सुशांत सर को लेके, और यहाँ पर सलमान खान, करण जौहर इन सब पे जो है केस फाइल किया गया है। जी हाँ, ज्यादा जानकारी के लिए आइए एक वीडियो देखते हैं। करण जौहर, सलमान खान, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर वगैरह के खिलाफ एक बिहार में केस फाइल किया गया है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से जुड़ा हुआ। इसमें यह दावा किया गया है कि सुशांत को 7 फिल्मों से निकाला गया था और इसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया, और इसके लिए ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं। और यहाँ पर साहिल खान ने भी इससे रिलेटेड एक पोस्ट अपलोड की है। एंड यहाँ पर अदिति भाटिया, जिनके 5.4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की है, आइए वो वीडियो देखते हैं। हाय एवरीवन, मैं कभी ये सारी चीजों के बारे में बात नहीं करती हूँ, लेकिन जो भी सुशांत के साथ हुआ है उसके बारे में मैं सोचना नहीं बंद कर पा रही हूँ। मैं उसके वीडियोस देख रही हूँ बार बार, और मेरे दिमाग से ये बात नहीं जा रही है कि ये दुनिया कितनी ज्यादा फेक है। मतलब लोग कहते हैं कि जब आपके पास पावर होता है, फेम होता है, पैसा होता है, तो दुनिया आपके पीछे पीछे होती है, पर इस केस में तो ऐसा भी नहीं था। तो मतलब दुनिया कितनी ज्यादा फेक है, आप ये वीडियो देखिए। बिकॉज यू आई नो ऑलवेज only talk about your work. Yeah, because other than that I'm very boring, because I'll tell you very very honestly. I just have two friends, and so I have three friends now, thankfully. But I just cannot make friends, not because I don't like people, I really like them, but they don't find my conversations very interesting. And so the first time they'll pretend to be liking me, but then they don't take my calls. So yeah, so I don't have many friends. I know that it takes a lot to be exciting all the time. It takes a lot to make sense all the time, or at least pretend to be make. Yeah, to pretend to know your shit, you know what you're saying all the time. So, देखा आपने, क्या फायदा है? अभी पूरी दुनिया उठके उसके बारे में पोस्ट कर रही है। ये दुनिया इतनी फेक है कि चीजें फील नहीं करती है, प्रोसेस नहीं करती है। उसके पहले तो वो लोग सोच रहे होते कि पोस्ट कैसे करें इस चीज के बारे में। ये है आज की दुनिया। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं अचीवमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर फैज बलोच के हो गया है 11 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक, रियाज के हो गए हैं 42 मिलियन ऑन टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे 8 मिलियन और 2 बिलियन लाइक्स ऑन टिकटॉक। सो बस गाइस, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो ये आईडी। मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, स्लैप। अबे साले। और हमेशा की तरह जाते जाते एक वीडियो बताना चाहूंगा, नीचे याद से पढ़ लेना क्या लिखा है। बहुत ही गहरी बात है, किस किस को समझा कमेंट। और तो और, जो लोग को हंसी नहीं आ रही है ना, नहीं सोम्या क्या क्या